वेलकम इन्वेस्टर्स ऑन विथ स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का डेट है फोर्थ जून 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम विशाल फैब्रिक के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या अब विशाल फैब्रिक में क्या ट्रेंड रिवर्स हो चुका है तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट मंथली चार्ट को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे लोअर एंड लोअर टाइम फ्रेम पर तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये विशाल फैब्रिक का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो मैं इस पोर्शन पे ये जो प्राइस एक्शन है इस पर मैं आपको लेकर आना चाहूँगा तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ मंथ का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें विशाल फैब्रिक में यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था लगभग फोर्टी टू रुपीज़ का प्राइस का सपोर्ट है हम यहाँ पे मंथली चार्ट गौर से देख सकते हैं और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म हुआ प्राइस ने एक ऊपरी लेवल पे जाके सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर जाके ट्रेड किया प्राइस फिर से नीचे आया बट इस टाइम में ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट रिटेस्ट हुआ और अगर हम इस मंथ के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो लास्ट मंथ के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस नीचे गया लगभग अपने प्रीवियस जो सपोर्ट प्राइस था वहाँ पर आया और वहीं से अब इस मंथ के जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ से प्राइस जो है वो हमें अपसाइड मूव करते हुए दिखाई दे रहा है अब हम चलते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट को स्टडी करेंगे क्योंकि अभी जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है इस ट्रेडिंग सेशन के साथ में जो वीकली कैंडल है उसका यहाँ पर पूरी तरह से जो फॉर्मेशन है वो हो चुका है अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एक जो हायर टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड था यहाँ पर ब्रेक हुआ और सेकेंड जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है अब यहाँ पर देखिए अभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने के लिए अगर आप यहाँ पे फोर्टी एट रुपीज़ के आसपास अगर बाय कर लेते हैं तो यहाँ से प्राइस लगभग सिक्सटी रुपीज़ तक आएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लेकिन फिर से प्राइस नीचे आएगा और यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हमें देखने को मिल सकता है तो उसी को समझने के लिए अब हम चलेंगे इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स डेली चार्ट पर और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है डेली चार्ट डेली चार्ट को मैं क्लीन कर देता हूँ अब इस डेली चार्ट पे जो रिसेंट प्राइस एक्शन है हम उसको स्टडी करेंगे यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड था ऑन अ डेली चार्ट पे ये डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद प्राइस अब लगभग अपना जो एक लोअर हाई है इस लोअर हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अब नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है और उसके बाद अगर प्राइस फिर से पलट के नीचे आता है तब हमें ऑन रिट्रेसमेंट इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये हर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है तो इसलिए इस स्टॉक में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इस प्राइस को ऑन अ रिट्रेसमेंट पे ही हमें बाय करना चाहिए अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट जैसे मंथली सपोर्ट हमने देखा फोर्टी टू फोर्टी रुपीज़ के आसपास लिया बट यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो फोर्टी एट रुपीज़ का यहाँ पे हमें रजिस्टर्न भी देखने को मिल रहा है इसके ऊपर अभी तक प्राइस गया नहीं है तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर जाए और प्राइस इसके ऊपर जाके जब नीचे आएगा तब हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए तो ये था विशाल फेब्रिक का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें विशाल फैब्रिक के बारे में अगर हम इनके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया था तो कहीं ना कहीं विशाल फैब्रिक का जो स्टॉक है उनके जो फंडामेंटल्स हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लास्ट थर्ड क्वार्टर से जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो थर्ड क्वार्टर था इसमें हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी को होता हुआ दिखाई दे रहा है और एनुअल अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे दे, देखेंगे तो 2016-17 से जो प्राइस है वो अभी भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू एंड नेट इनकम जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है Thanks for the watching this video.